हाय, शुरू करते हैं आज का वीडियो और डायरेक्ट आपको बताते हैं कि इस एग्जाम को आप कैसे निकाल सकते हो। हाय, मेरा नाम है अक्षय और बिना देर करे शुरू करता हूँ इस वीडियो को। देखो, इस पोस्ट का नाम है जो निकला है उसका नाम है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। और इन लोग का काम जो होता है वो होता है टेलीफोन कॉल्स को हैंडल करना, अकाउंट्स मेंटेन करना और वगैरह वगैरह काम करना। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, हमने डिज़ाइन करी है आपके लिए ये वाली बुक। आपके लिए जो कस्टमाइज्ड बुक हमने डिज़ाइन करी है, जो जो टॉपिक आपके में आना है वो सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर वन लाइनर्स इस बुक में मिलेगा। ये है कंप्यूटर ज्ञान के लिए, ठीक है। फिर ये आ जाता है सामान्य हिंदी के लिए, ठीक है, जितना भी आपके कोर्स में आना है अभी हम नीचे सब डिस्कस करेंगे। और फिर ये आ जाता है सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपके में आनी है, मैथ्स 8 तक की आनी है, वो सब अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी की। देखिए, वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले आपको एक OTR भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये, ठीक है। ये आप करवा लीजिएगा और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या दिए गए नंबर पे हमें WhatsApp कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वैकेंसी में है क्या। देखिए, ये वैकेंसी में सबसे पहले आपको एज बता दूं, जो अदर कैटेगरी के लिए है वो है 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। और ये काउंट होगी 1 जुलाई 2023 से, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना उस साल से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी पे। तो आपको बता दूं, अनरिजर्व के लिए जो है ऑलमोस्ट 185 रुपीज़ इसकी फ़ी है। जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनके लिए 95 है, जिनका रिजर्वेशन आ जाता है। जो डिसेबिलिटी वाले रिजर्वेशन के उनके लिए सिर्फ 25 रुपये की फ़ी है इसमें, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ 95 रुपीज़ की फ़ी है। जबकि यदि आप महिला हैं, स्किल प्लेयर हैं, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इस वैकेंसी में ना 328 पोस्ट हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी है जो कि सेक्रेटरीएट में है, ठीक है, सेक्रेटरीएट में है। और आपको बता, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड आपको चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड। और उसके बाद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स शॉर्ट हैंड और 25 वर्ड्स इसमें चाहिए टाइपिंग, ठीक है। और ये हिंदी में होने वाली है टाइपिंग, अभी आपको बता दूंगा लास्ट में कौन से फॉन्ट में टाइपिंग होनी है, ठीक है। अगर सेक्रेटरीट में आप चाह रहे हैं तो आपको CCC चाहिए, और कहाँ से चाहिए, नाइलेट से चाहिए, ठीक है। नाइलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नाइलेट से आपको चाहिए। ये जो सेकेंड नंबर की पोस्ट निकली है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी, और ये निकली है सर्विस कमीशन में, यूपी सर्विस कमीशन में, ठीक है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी निकली है। और इसमें जो है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्पीड आपकी सेम टू सेम वही रहेगी, 80 वर्ड्स जो आपको बताई थी और जो 25 वर्ड बताई थी हिंदी में। देखिए, सेकेंड नंबर वाली जॉब के लिए जो कंप्यूटर कोर्स है वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। आप देख सकते हैं CCC जो है वो आपको DOEIC का चाहिए, ठीक है, एक नाइलेट का होता है, एक DOEIC का होता है। तो DOEIC वाला आपको चाहिए, या फिर द कोर्स कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, अगर आपके स्कूल में, हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश के या किसी भी हाई स्कूल से आपने कराओ, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड में अगर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था तो वो भी मान्य होगा। अब देखो, जो तीसरी पोस्ट इसमें निकली है वो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की, APS की, लेकिन वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू UP में, ठीक है। और इसके अंदर आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, आपको एक बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। स्पीड है वो वही 80 और 25 है, जो शॉर्ट हैंड में आपका 80 है और टाइपिंग में आपका 25 है, ठीक है। और इसके अंदर भी CCC आपका DOEIC से होना चाहिए, या फिर आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कंप्यूटर की सब्जेक्ट था तो वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपराइटिंग भी जानते होंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो और बेहतर है, आपके नंबर किसी के साथ मैच हो जा रहे हैं, इनको हिंदी आता है, आपको इंग्लिश आता है, दोनों के नंबर 80-80 आ रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश भी आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती, उनको सिर्फ हिंदी आती है, आपको दोनों लैंग्वेज आती है, तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। जो शुरुआत में हमने आपको किताब दिखाई थी उसके अंदर हमने आपके लिए क्या क्या इंक्लूड करा है, तो देखिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, शब्द संक्षेप, ठीक है।
उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक हमने 2023 एडिशन तक की आपके लिए तैयार करके रखी हैं उस किताब में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इतिहास आपका आने वाला है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास, ये भी उस बुक में तैयार आपको मिलेगा। विज्ञान आपके लिए हमने बना के रखा हुआ है, भूगोल बना के रखा है, उत्तर प्रदेश का भूगोल आने वाला है और भारत से संबंधित। ठीक है, आप मान के चलो कि अगर 10 भूगोल के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो कम से कम 4 क्वेश्चन जो है यूपी के होने वाले हैं और 6 क्वेश्चन जो है इंडिया से रिलेटेड होने वाले हैं। उसके बाद फिर वही बेसिक जो हमने उस बुक में आपको दे रखा है, भारत का संविधान, खेल जगत, 2023 तक के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड है खेल जगत से, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें भारत और उत्तर प्रदेश के, खास कर याद रखना इस बात को। फिर आ जाता है आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हमने आपको जो है G20 तक के सारे करंट अफेयर्स जो है उस बुक में दे रखे हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंक गणित जो आनी है आपकी, वो आनी है 8वीं क्लास तक की, और वो मैथ्स भी आपकी पूरी कंप्लीट मिलेगी, जितनी भी आपके कोर्स में आनी है सिर्फ उतनी मिलेगी आपको उस बुक में। अब देखो अगली चीज़ आने वाली है सामान्य हिंदी की। ठीक है, सामान्य हिंदी में हमने जो बुक आपको दे रखी है उसके अंदर अपठित गद्यांश होने वाला है आपका पूरा, पत्र कार्यालय, विभिन्न पत्रों का आलेखन होने वाला है, मुहावरे, लोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग कैसे करते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो रिपीटेड एग्जाम में आती है, तो हमने जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंक्लूड करा है ना वो रिपीटेड। आप अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ने चलोगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है, वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, और यही चीज़ हमने जो है इंक्लूड करके दी है मेन मेन चीज़ें, और उसके बाद हमने इंक्लूड करके दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे जो भी एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए आना है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हमने आपको जो बुक में दिया है वो यही सारी चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज एंड वर्किंग ऑफ द विंडोज सिस्टम। ठीक है, विंडोज नॉलेज, उसके बाद कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवेज रिजर्वेशन सर्च इंजन लाइक गूगल एक्सेट्रा। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, मतलब ईमेल कैसे भेजा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी आपको उस बुक में मिलने वाली हैं। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन की, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी नौकरी इसमें लग जाती है तो आपका काम ही यही होने वाला है। फिर यहाँ द्वितीय चरण में आ जाते हैं, द्वितीय चरण में आपका क्या है कि 5 मिनट का आपका डिक्टेशन होगा, और उसके बाद आपका लिपि यंत्रण होगा जो कि आपकी अशु लिपि के अंदर आता है, उसके बाद कंप्यूटर आने वाला है आपका टाइपिंग, और उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आने वाला है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग सेंडिंग, मतलब आपसे पूछा जाएगा भाई ईमेल कैसे भेजते हैं, सीसी क्या होता है, ठीक है, और उसको हम कैसे अटैच करते हैं, अटैचमेंट क्या होती है, जो इस तरह का साइन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी क्योंकि यही आपका काम होने वाला है। आपसे वो ये बोलेंगे कि बताओ यार ये रेलवे की वेबसाइट में जो है हमको रिजर्वेशन कराना है, तत्काल में टिकट चाहिए, तो ये कैसे होगा। ठीक है, गूगल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकिपीडिया कैसे चलता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी है तो आप कैसे दोगे। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, ये सारे आपके काम होने वाले हैं ऑफिस में, तो इसका एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा जो कि बहुत आसान होगा, जिसकी तैयारी हम आपको करवा देंगे। अब एकदम आखिरी में देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी टंकण आपका होगा, जो भी टाइपिंग आपकी होगी, वो कुर्ती देव 10 पे होगी। ठीक है, और फॉन्ट आपको साथ साथ दिया है, मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा, अगर आपको मंगल फॉन्ट पे आती है तो वो भी दिया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ दिया है कुर्ती देव और मंगल दोनों का जो है आपको विकल्प दिया जाएगा, कुर्ती देव का जो नंबर है वो है 10। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, और अगर आपको हमारे कोर्स और हमारे बुक्स के बारे में जानना है तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सारी जानकारी जान सकते हैं, और ये बुक्स जो हैं अपने PDF के रूप में घर बैठे मंगवा सकते हैं, और सिर्फ इसी से तैयारी करिए और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपका पेपर 1 निकल जाएगा, पेपर 2 में आपका स्किल है, पेपर 3 की तैयारी हम आपको करवा देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।